सन। मैं मारूंगा तो सर फूट जाएगा, चल भाग। हाय, बहन से मिलोगे तो राखी और मिठाई मिलेगी, मंदिर में जाओगे तो पंडित से प्रसाद पाओगे, धर्मात्मा के पास जाओगे तो धर्म का उपदेश मिलेगा, पर टाइसन के सामने आओगे तो मार मार ही मार खाओगे। याद रखना, इन्हें इनके घर तक छोड़ दी। वो देखो मिल गई। गुरु, लाइफ पार्टनर फेक। लाइफ पार्टनर फेक। हाय हाय, असाइनमेंट पूरा हो गया? हाँ, हो गया। मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है। जग्गी जिन चक जग्गी, सेम टू सेम, सेम पिच। देखो आज मेरा बर्थडे है, तुम आकर केक काटोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ। ए, चिंचाक, तुम्हारा बर्थडे केक काटने के लिए मैं क्यों आऊंगी? Who are you? ये भाई को नहीं जानते? You mean me? I'm your fan यार। सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो? देखो तुम मना मत करना, अगर तुमने पार्टी में आने से मना किया तो तुम्हारा ये फैन कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेगा। हाँ? तुम मेरी साइड हो या सुसाइड की, डिसाइड कर लो। मुझे तो ये पागल लगता है, किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाओ। तुम्हारी फ्रेंड ने तुमसे कुछ कहा ना? क्या कहा इसने? ओके, मैं पार्टी में आऊंगी। बट वन कंडीशन। जल्दी बताओ, किसी को बुलाना है, पीटना है या एक टांग पर खड़ा करना है? इतनी तकलीफ मत करो, तुम बस 3 दिन इसी तरह सेम टू सेम कलर की ड्रेस पहन कर आओ और सेम पिंच करो, बस उसके बाद तुम जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊंगी। ओके? चलो। ये क्या यार, सेम कलर? चल ना, चल, इनके मुंह मत लग। Same to same. हाँ बोलिए भाई। अबे काम तो कहीं के, तूने कौन सा कलर बताया था? पर्पल कलर भाई, घर से वही पहन कर निकली थी वो। Pinch.
कैसा रहा पंच? तुमने यही सोचा था ना कि तीन दिन तक मेरी ड्रेस का कलर पता करवा कर सेम पिंच करके मुझे बेवकूफ बना दोगे। तुम्हारी चाल समझ में आते ही मैं फ्रेंड के घर गई और ड्रेस चेंज कर ली। लड़की से पिट कर यहाँ पड़ा हुआ है। मेरी बात तो पूरी होने दो। hey, कहानी मत सुना, जल्दी बता आगे क्या हुआ। तूने हमारे भाई पर हाथ उठाया। सच्चे आशिक का दिल में दुखाओ, कह देता हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो। बस यही हुआ भाई, वो शेर की तरह आया और भाई पर वार किया, फिर भाई कोमा में चले गए। कोमा में? हाँ भाई, उसको छोड़ना मत भाई, जान से मार देना। मेरे भाई को सेम पिंच का आइडिया किसने दिया? मैंने भाई। बेवकूफ, तो पहले तुझे मारना चाहिए उसे, नहीं आइडिया देगा। आइडिया तितली की तरह उड़ने वाला, सूखे पत्ते की तरह पड़ा है भाई, तेरे साथ बाकी के मार खाने वाले कहाँ गए? वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। कौन है वो? यहाँ कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की? उससे तो मिलना ही पड़ेगा, ढूंढो उसे। डर गई ना बदमाश, कॉलेज चल फिर बताती हूँ। छोड़ना। अरे स्मिता, तुम कब आई बेटा? बस अभी आई आंटी। सॉरी बेटी, तुम्हें इसने डरा दिया ना? इट्स ओके आंटी। मैंने सॉरी कहा और उसने ओके कहा, ये तो रोज की बात है। ये तुम्हारी बॉडीगार्ड से कम नहीं है, असल में तुम्हें इसको थैंक यू कहना चाहिए। उस दिन उस भले इंसान ने तुम्हें वक्त पर नहीं बचाया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। कुछ पता चला बेटी वो लड़का कौन है? आंटी, इसने हर जगह उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, सबसे उसके बारे में पूछा, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, हर जगह उसे सर्च करती रहती है। बस कर, कॉलेज का टाइम हो रहा है। पता नहीं वो लड़का किस महान इंसान का बेटा है, भगवान करे वो सदा खुश रहे। माँ लीजिए। मात्र देवो भव। अरे अरे, ये मेरे लिए नहीं, तो भगवान के लिए लाए थे। रखो चलो। मदर इंडिया, जल्दी आओ, प्रसाद खत्म हो जाएगा। ए पेटू कही का, तेरी एसआई की एप्लीकेशन भगवान के चरणों में रखकर प्रार्थना करने आए थे हम, और तू यहाँ आकर प्रसाद की लाइन में खड़ा है। बताओ हम भगवान के पास क्यों आते हैं? अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करने के लिए। और भगवान क्या करते हैं? वरदान देते हैं। वरदान मतलब प्रसाद ना? हाँ हाँ, तो प्रसाद वहाँ देते हैं कि यहाँ देते हैं? ए अरे थोड़ा और डालिए ना। अरे बेटा पूरा बर्तन उठा ले। ये भी ठीक है। अरे क्या कर रहे हो बदमाश। सूर्या, तू एक काबिल और ईमानदार सब इंस्पेक्टर बनकर एक सिंसियर ऑफिसर बन के नाम कमाओ, यही मेरा सपना है। दुनिया की हर माँ अपने बेटे की सेफ्टी के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहती है, और एक तुम हो कि अपने बेटे को गुंडों से फाइट करने के लिए बोल रही हो। अब तुम ही बताओ, अगर मुझे कल कुछ हो गया, व्हाट अबाउट यू मदर इंडिया? मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि तू एक टाइगर का बेटा है।